अभी तक बाबा का बुलडोजर सिर्फ माफियाओं की बिल्डिंग और भूमाफियाओं पर ही चलाया जा रहा था, लेकिन आज जहां बुलडोजर चला है उस जगह का नाम सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ऐसी जगह पर बुलडोजर चलाने की क्या जरूरत पड़ गई। पिछले दो सालों से भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे परियोजना के तहत जनपद के शहरी इलाके में 150 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज पाइपलाइन डाले जाने का कार्य किया जा रहा है। इसी परियोजना के चलते जनपद गाजीपुर में जल निगम के द्वारा जनपद में सीवरेज पाइपलाइन का काम कराया गया था, जिस पर अब बुलडोजर चला दिया गया है। आपको बता दें कि जब बुलडोजर के जरिए सड़क को खोदा जा रहा था, तब लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पूरा माजरा क्या है, और देखते ही देखते सड़क एक गड्ढे में तब्दील हो गई। आपको बताते चलें कि जल निगम के ठेकेदारों के द्वारा सीवरेज पाइपलाइन का काम किया गया था, लेकिन जिस मानक के अनुसार काम कराया जाना था उस मानक के अनुसार काम नहीं हुआ। जैसे पाइपलाइन बिछाए जाने में रेत का प्रयोग होना चाहिए था, वैसे नहीं हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो सड़क बनाई गई थी उसकी लेंथ में कमी पाई गई, जिसके बाद भाजपा MLC विशाल सिंह चंचल ने जिलाधिकारी को एक पत्र लिखकर इसी काम की जांच कराने की मांग की थी। जिलाधिकारी के निर्देश पर आज सीवरेज पाइपलाइन के लिए सड़क खोदकर जांच की गई, जिसमें बहुत सारी कमियां पाई गई। भाजपा MLC विशाल सिंह चंचल ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए ये बताया कि अभी दो जगहों की खुदाई कर जांच की गई है, अभी तीन पॉइंट पर और जांच कराया जाना बाकी है, जिसके बाद इनके काम की हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी, लेकिन प्रथम दृष्टया इनके कामों में भारी कमी पाई गई है। जनता की काफी शिकायतें आ रही थी कि जहां जहां ये पाइप डालने का काम हो रहा है वहां सड़कें धस रही हैं, पाइप भी सही मानक के अनुसार नहीं पड़े हैं। उसी शिकायत के क्रम में मैंने एक पत्र जिलाधिकारी महोदय को दिया था, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसमें SDM सदर और विभागीय अधिकारी थे। उसी के क्रम में आज जांच का पहला दिन है और आप सब देख रहे हैं अभी दो जगह जांच हुई है, अभी दो तीन जगह जांच और होनी है, तो इसके अलावा विस्तार में मुझे लगता है कि थोड़ी जांच प्रक्रिया और बढ़ जाए तो ठीक से हम लोग इस पर बता पाएंगे। क्या पाया? नहीं, कमियां तो मिली हैं, लेकिन काफी डिटेल में जब टेक्निकल सारी रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर इस पे हम आपको ब्रीफिंग करेंगे। मिली वो क्या थी? देखिए, कहीं थिकनेस सही नहीं थी सड़क की और कुछ और भी कमियां थी जो मानक के अनुरूप होना चाहिए, वो कहीं कहीं कमी मिली है। और अभी देख ही रहे हैं आप, लाइव अभी खोदा ही जा रहा है, तो एक बार ये फाइनल खुद जाए तो फिर और देख। नहीं, वो तो टेंडर प्रक्रिया में क्या है वो एक बार कंक्लूड मैडम कर लेंगी तो उस पे फिर अपना बयान वो देंगे। तो वहीं पूरी खुदाई और जांच का काम SDM सदर प्रतिभा मिश्रा की देखरेख में चल रहा था। इस दौरान जल निगम के अधिकारी के साथ ही नगर पालिका के अधिकारी और PWD के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और सभी ने उनके कार्यों की गुणवत्ता को अपने अपने नजरिए से देखा। SDM प्रतिभा मिश्रा ने बताया कि इनके कार्यों में कमी देखने के लिए मिली है, अभी पूरी फाइनल रिपोर्ट अन्य तीन जगहों की खुदाई कर जांच कर लेने के बाद ही आ पाएगी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था, जिस कमेटी में उप जिलाधिकारी सदर तथा XNCD1 और PWD के AE थे, तो उसके क्रम में आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और माननीय जनप्रतिनिधि महोदय के अध्यक्षता में यह जाँच हुई है और अभी भी आगे दो तीन स्पॉट पर हमें और जाँच करनी है। चाहे माफिया हो या कोई ठेकेदार, अब ये तो तय है कि योगी राज में जो गुनाह करेगा उसके कामों पर बाबा का बुलडोजर जरूर चलेगा।